हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदिता आप सबको स्वागत करती हूँ नंदिता राउत ब्लॉग में। चलिए आज गणेश जी के लिए थोड़ा सा भोग बनाते हैं। ऐसे तो गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, लेकिन चलिए आज चना ही थोड़ा बना रही हूँ। तो आज चना का कैसे बनाई हूँ, तो पहले चना को उबालना है, भिगा के जैसे एक रात पहले भिगा देते हैं, फिर उसको उबालना है। उबाल के उसका पानी को फेंक देना है और उसका पानी काला काला हो जाता है तो थोड़ा उसको, और सूखा भुंजना है तो इसको, इसका पानी कोई काम नहीं आता है। तो ऐसे मैं देखिए छान ले रही हूँ उसको, और इसका पानी निकाल के फिर इसमें बस मैं इसको तड़का दे दी हूँ जीरा में और कड़ी पत्ता में, और इसको बना दी हूँ। मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, संधा नमक डाली हूँ। और यहाँ पे संध्या जो आलती होता है वहीं पे आई हूँ। गणेश जी जो हम लोग मोहल्ले में बैठाए हैं, यहाँ पे प्रसाद लेके आई हूँ। और ये देखिए हम लोग उनका गणेश जी मोहल्ले में जो बिठाए हैं, और शाम को बहुत ही अच्छा सुंदर भजन कीर्तन होता है। सब आके ढोलक जो खंजनी बजाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये गणेश जी के पास में आरती करके यहाँ पे भजन कीर्तन 2-3 घंटा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब मोहल्ले के ही लेडीज़ लोगों रहते हैं और भजन कीर्तन चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा मैं साउंड भी दे दूँगी इसमें, और पूरा ज़्यादा साउंड देने से भी थोड़ा क्या है, सब अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा ही मैं वीडियो बनाई हूँ तो देखिएगा। और अभी सभी को प्रसाद भी दे रहे हैं, और प्रसाद में देखिए चना है, ढोकला है, सूजी का हलवा है, लड्डू है, और सभी को प्रसाद बंटन हो गया है। अभी थोड़ा देर और चलेगा भजन और फिर सब कोई अपना घर जाएंगे। तो ये रोज होता है, सब दिन ऐसे भजन कीर्तन होता है शाम के टाइम में, तो अच्छा भी लगता है। वैसे सभी कोई अपना अपना जो भी जिसको भजन आता है सब भजन कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है। गणेश जी के पास में खाली बैठने से सब कोई अच्छा नहीं लगता, वही भजन से कैसे टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है भगवान के पास में आरती के साथ। कल का वीडियो जो गणेश जी का विसर्जन का, मतलब कल एकादशी है बोल के विसर्जन नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से बस हवन कर दिए हैं। और भगवान को जैसे विसर्जन पूजा हो गया है, लेकिन मंगलवार के दिन ही, आज ही के दिन मतलब उनको विसर्जन करेंगे। और आज मंगलवार के दिन नहीं करते हैं बोल के, आज नहीं किए हैं, सोमवार दिन एकादशी था बोल के उस दिन भी नहीं करते,
तो थोड़ा सा डेट अटपटा पड़ रहा था बोल के सोमवार दिन में जो विसर्जन पूजा हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी भी बैठे हैं, सब कोई पूजा में बैठे हैं, नीचे हवन हो रहा है, यहाँ पे पूजा सभी कर रहे हैं। और दोपहर को ही मतलब 12 बजे से था हवन, तो सब कोई पूजा में बैठ के हवन कर रहे हैं। और पूजा होने के बाद यहाँ पे खाना पीने का भी प्रोग्राम था, तो शाम हो गया बोलना चाहिए, जैसे 4 बज गया हवन ख़त्म होने के बाद खाने पीने का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा वीडियो ली हूँ, पूरा वीडियो लेने से तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा बहुत कैप्चर करी हूँ, पूरा पूरा वीडियो नहीं ली हूँ। और हवन से धुआं निकल रहा था, सभी को थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, क्योंकि आग जलता है तो धुआं भी होता है वहाँ पे सब सामग्री डालने से, तो थोड़ा सा वो धुआं से प्रॉब्लम हो रहा था सभी को। लेकिन चलता है, हवन से ये धुआं निकल रहा तो वो अच्छी बात है इसी वजह से। लेकिन सब कोई थोड़ा खड़े हो गए हैं, वहाँ पे गर्मी भी थोड़ा लग रहा था बोल के, और सब कोई एक दूसरे का फोटो वोटो भी ले जा रहे हैं। और आरती पूजा भी सब समाप्त हो गया है, अभी थोड़ा देर में खाने पीने का प्रोग्राम है। तो देखिए ये एक तो मेमोरी रह जाता है, तो इसी वजह से मैं वीडियो भी बना ली हूँ। सब कोई फोटो खींच रहे थे, मैं वीडियो बनाती हूँ बोल के वीडियो बना ली हूँ। ये देख रहे हो कि नहीं कैमरा मैन एकदम रेडी है, रेडी नहीं कैमरा मैन अभी निकले। अरे ये तो मुझे अपने को पैसा मिल गया था। हाँ, अपने को पैसा मिल गया, मिल गया हमको, पहले मिला अभी पूजा खत्म हो गया, सभी प्रसाद वसाद थोड़ा सा खा के अभी खाने का तैयारी कर रहे हैं, बनाने का मतलब हो गया है, सब्जी हो गया है, टमाटर चटनी हो गया है, खीर हो गया है। अभी आज एकादशी है बोल के चावल वावल नहीं बना है, सागू का खीर बना है, गोभी सब्जी आलू का सब्जी और टमाटर का चटनी बना है। अब पूड़ी अभी तलेगा, रोटी और पूड़ी जिसको जो खाना है वो खाएंगे। तो इतना तक था मेरा वीडियो, और गणेश जी का साईं धाम कॉलोनी का। अब वीडियो अच्छा लगा तो सभी को मेरा चैनल में सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा, और लाइक थोड़ा करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, मेरे जितना भी नया वीडियो आएगा सब कोई देख सकेंगे। चलिए फिर न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय सबको। और गणेश जी का आज तो पूजा समापन हो गया है, और मंगलवार दिन विसर्जन होगा, सभी के लिए खाना पीने का तैयारी हो रहा है। चलिए बाय रखती हूँ, फिर न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। जय गणेश भगवान की जय।